हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल एंड आप लोग हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो इतना अच्छा रिस्पांस आपने दिया है उससे हमें बहुत खुशी मिली है। सो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ हम लोग प्रैक्टिकल डे लाए हैं, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट डे है। एंड जितना आपको समझाया, जो बताया, आज हम आपको करके दिखाएंगे। ये जो 60 टॉपिक हमारे लिखे हुए हैं लास्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे, प्लस आपको एक मॉडल का डेमो देके दिखाएंगे कि मेकअप करना कैसे है और मेकअप के प्रोडक्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं। सो आइए आज हमारा चैप्टर 3 जो है उसका स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेकअप से पहले CTM करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपनी मॉडल का CTM कर लिया है। सेकेंड, मैंने अपनी मॉडल को प्राइमर लगा दिया है। जो मेन स्टेप्स हैं मैं वो कर चुकी हूँ, तो अब हम बारी है मेकअप की। तो मेकअप में ये जो 7 चीज़ें हैं, देखिए जो मैंने लिख कर रखा है पहले से आपके लिए। तो सबसे पहले हमने अप्लाई करना है कंसीलर। कंसीलर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आज हम आपको लगा कर बताएंगे कि कंसीलर लगाना कैसे है। फिर फाउंडेशन, फाउंडेशन हमारा बेस भी कहा जाता है, इसको बेस कैसे लगाना है अब हम वो बताएंगे आपको। थर्ड है हमारा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कैसे करना है वो बताएंगे। फोर्थ हमारा है आई मेकअप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप में। आई मेकअप में बहुत चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि लाइनर, लिपस्टिक, जैसे कि लाइनर, आई शेडो, आई मस्कारा, काजल, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कवर होती हैं आई मेकअप में। उसके बाद है हमारा कंटूरिंग। कंटूरिंग हमारे फेस को बहुत अच्छे फीचर्स देता है और हमारे फेस के फीचर्स को शार्प कर देता है। उसके बाद है हमारा हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग हमारे फेस के जो फीचर्स हैं उनको एनहांस करता है और हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिपर, जो लिपस्टिक लगाकर हम अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे। सो आइए गाइज, आज इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि मेकअप करना कैसे है। अब तक आपने सिर्फ बोर्ड पे थ्योरी समझी थी, आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सो गाइज, जैसा कि मैं अपना CTM और प्राइमर कर चुकी हूँ, तो अब बारी आती है कंसीलिंग की, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज क्या। कंसीलिंग, कंसीलिंग कैसे करनी है, देखिए हमारी मॉडल पे हम कंसीलिंग कैसे करेंगे। तो हम इनका टीका पहले ऊपर कर लेते हैं एंड हम लोग कंसीलर करने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये बता दिया जाएगा कि वो कहाँ से मैंने लिए हैं। एंड स्पेशली हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ आएंगे। सो गाइज, देखिए आज जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कंसीलर, वो हमने कैसे लगाना है। अंडर आई एरियाज में पहले हमें कंसीलर लगाना है, जहाँ जहाँ आपको कंसीलर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप कंसीलर लगाओगे। जैसा कि जो चीज़ आप छुपाना चाहते हो, यानी कि अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, पिंपल्स हैं, या फिर आपको डार्क सर्कल्स हैं, उसको छुपाने के लिए हम कंसीलर लगाते हैं। आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ हमारी जो मॉडल है उसके फेस पे हम वो कॉर्न्स हाइड कर रहे हैं। अब कंसीलर लगाने के बाद हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे स्पॉन्ज की सहायता से। सो मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। जितना भी हमारा जो एरिया है वो फेस पर अगर कुछ दिक्कत है वो सब इसको कवर करेगा। कंसीलर हम लोग इसीलिए लगाते हैं। फाउंडेशन चैप्टर है वो देखिए कैसे एप्लीकेशन करेंगे। सो सबसे पहले हमने फाउंडेशन स्टिक लिया है। एंड एक चीज और, जितना भी जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी ब्राइड्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, वो प्रोडक्ट सब मैं बाहर से लाती हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके फेस पे हार्म नहीं करते हैं। सो मेरी जितनी भी कोशिश होती है कि मैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से ही लाऊँ और
अपनी क्लाइंट्स को जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मैं दे सकती हूँ उतना मैं देती हूँ। सो गाइज अब इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, फाउंडेशन हमने लगा दिया है, अब हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग में सेम मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर बोला जाता है इसको। सो हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, आप देखिए। आज का जो लुक है वो ब्राइडल लुक है, कि हम लोगों ने ब्राइडल का मेकअप कैसे करना है प्रोफेशनली देखिए आप लोग। डाउन स्ट्रोक्स में आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है, जो भी फाउंडेशन आप लगाएं, जो भी कंपनी का फाउंडेशन हो, मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल हैं, उसकी ब्लेंडिंग हमेशा डाउन स्ट्रोक्स में करनी है। अभी आपको ये फाउंडेशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा मेकअप अपनी स्किन में जाएगा, एडजस्ट करेगा, अपने आप जो हमारी स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। जो हमारा स्किन में है फाउंडेशन वो जा चुका होगा, हमारी जो स्किन है वो नरिश्ड हो जाएगी, तो जो मेकअप है वो ऊपर दिखेगा नहीं। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल में बहुत मजा आ रहा होगा आज हमारे साथ, तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। सो गाइज हमारा फाउंडेशन डन है, तो इसके बाद आइए हम अपने थर्ड चैप्टर। सो गाइज हमारा जो फाउंडेशन है वो डन हो गया है फेस पे, तो अब हम अपने थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज कॉम्पैक्ट। सो गाइज जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक आज का है कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर, तो मैं अपनी मॉडल पे लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन आपने लगाया है उसको लॉक करने के लिए लूज पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं उसको लगाना कैसे है। सबसे पहले आईज के नीचे लगाएंगे, एंड इसकी क्वांटिटी से आपने बिल्कुल नहीं डरना है, अच्छी क्वांटिटी लगानी है फेस पे, बिकॉज जितना फेस को जरूरत है ये स्किन में जाएगा, एंड एक्स्ट्रा आप उसको हटा सकते हो। और ये स्टेप बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपका मेकअप है वो सारा दिन स्टे नहीं करेगा। सो गाइज आपने देखा कि मैंने पूरा जो फेस जहां जहां हमने फाउंडेशन लगाया है वहां वहां हम लोगों ने कॉम्पैक्ट अच्छे से कर लिया है, या फिर लूज पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो सी गाइज अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा जो मेकअप है वो सेट हो गया है, एंड अगर आप पानी में भी अपना मेकअप कैरी करेंगे तो मेकअप डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज द मेकअप इज वाटर प्रूफ। सो सही सुना आपने, द मेकअप इज वाटर प्रूफ, अगर आप बारिश में भी इसको कैरी करोगे तो भी ये मेकअप नहीं उतरेगा। सो गाइज हमारा जो फोर्थ टॉपिक है आई मेकअप, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो आई मेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आई मेकअप कैसे करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप करने से पहले मैंने थोड़ा सा पाउडर यहाँ पे डस्ट किया है, सो दैट अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो नीचे गिरे तो हमें दिक्कत ना आए उसे साफ करने में, बिकॉज हम अपना फाउंडेशन कर चुके हैं। सो गाइस देखिए आई मेकअप कैसे करना है। सबसे पहले हम आई शेडो लगाएंगे,
देखिए कितने प्यार से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है, कितने आराम से। अब आई देखिए कितना प्यारा कलर जो है वो आई पे आया है। तो सेकेंड अब हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे और आई के अंदर लगाएंगे। गाइस हम इसे क्रीज लाइन बोलते हैं जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। थोड़ा सा और डार्क कलर लेंगे और एंड ऑफ द आई एरिया लगाएंगे। सेम सेकेंड साइड भी करेंगे। क्योंकि जो हमारा लहंगा है उसमें हल्का सा पिंक शेड है तो मैं जो क्रीज लाइन है उसमें हल्का सा पिंक शेड और डिपॉजिट करूंगी। थोड़ा सा डार्क कलर हम लोग अपनी आईज के कॉर्नर पे और लगाएंगे सो दैट जो हमारी आईज है वो थोड़ी डीप लगे। आईज का नीचे का एरिया बिल्कुल नहीं छोड़ना है गाइस, तो सबसे पहले थोड़ा सा पिंक शेड लेंगे बिकॉज हमने आईज के ऊपर भी पिंक शेड दिया है, तो अब आईज के नीचे काम करेंगे। ऊपर देखिए सेम दूसरी तरफ करेंगे। एंड अब थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। अब बारी आती है काजल की, तो काजल जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो व्हाइट काजल यूज कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम
हमारा मेकअप होता जा रहा है, जो लड़की है उसकी आंखें बहुत प्यारी होती जा रही हैं और अभी आई मेकअप में बहुत कुछ बाकी है। फिंगर्स की हेल्प से शेडो लगाएंगे आई फिंगर, क्योंकि हम बहुत ही सेटल लुक देने वाले हैं। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूड लुक ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ मेकअप अच्छा नहीं लगता है। आपको आईज कैसी लग रही हैं कमेंट करते रहिएगा जरूर साथ साथ, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो अभी हमारी बारी है फ्रंट पाउडर की। तो गाइज अभी हम लोग लाइनर अप्लाई करेंगे एंड लाइनर लगाने से पहले हम लोग फ्रंट कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करना है। सो गाइज देखिए हाइलाइटर कैसे लगाना है, ओपन योर आईज एंड इस तरीके से आपने हाइलाइटर लगाना है। गाइस हाइलाइटर हमने लगा दिया है एंड हाइलाइटर आपने आईब्रो के नीचे भी लगाना है, ये मत भूलिएगा बिल्कुल भी। सो गाइस अभी हम मस्कारा लगाएंगे आईज के ऊपर। सो गाइस जैसे कि आपने देखा जब हमने मस्कारा लगाया एंड आईज ओपन कीजिए तो आप देख रहे हैं कि आईज कितना निखर के आ गया है। तो अभी आगे के स्टेप देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस अभी हम आईब्रो शेपिंग करेंगे, तो आईब्रोज को ऐसे इनहेंस करते हैं। देखिए आप दोनों आईब्रोज में फर्क देख सकते हैं कि पहली वाली आईब्रो शेपिंग करने के बाद कैसी लग रही है और सेकंड देखिए वो अधूरी लग रही है, तो अभी उसको भी कंप्लीट करते हैं।
गाइस आईब्रो शेपिंग डन है, आप देख सकते हैं कि आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो अभी हम अपना लाइनर अप्लाई करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पाउडर था उसको डस्ट कर दीजिए। जी सो गाइस आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखिए ब्राइड की आईज जो है वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होंगी। तो सेकंड जो चीज़ अब हम करने वाले हैं, सेकेंड कह रही हूँ सॉरी, फिफ्थ जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है कंटूरिंग, फेस को हाईलाइट करना, फीचर्स को हाईलाइट करना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सो मेरी ब्यूटीफुल मॉडल को हम लोग बोलते हैं कि पाउट करे, सो पाउट करिए प्लीज़। ये दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू कंटूर फेस। मॉडल है वो बहुत ही प्रिटी फीचर्स लगे हैं उसके, एंड साथ के साथ उसको ब्लेंड भी कर दीजिए। जॉलाइन को भी हम एनहांस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ब्राइड है उसका जो फेस है वो कंटूर हो गया है, पतला लगने लगा है, फीचर्स शार्प दिख रहे हैं। तो अब बारी आती है ब्लशर की और हाइलाइटिंग। अब हम ब्लशर लगाएंगे, देखिए कैसे लगाना है स्माइल।
अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप हमारी एकेडमी में आके सीखना चाहते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। हाइलाइटर लगाने वाले हैं फेस पे, आपने सुना होगा आजकल हाइलाइटर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो कैसे लगेगा ये आपके फेस पे आइए देखते हैं। आप दोनों चिक्स में फर्क देख सकते हैं, एक जो चिक है वो ग्लो कर रही है एंड दूसरी थोड़ी पिंकिश दिख रही है, एंड अब हम इसको भी एक आर्टिफिशियल ग्रो प्रोवाइड करेंगे। गाइस कैसी लग रही है हमारी ग्लोइंग स्किन, जरूर कमेंट करिएगा। बार बार बोल रही हूँ कि आप हमसे आगे क्या सीखना चाहते हैं ये भी लिख के जरूर बताइएगा, कोई और लुक अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, सो जरूर कमेंट करिएगा। सो गाइस अब बारी है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सो गाइस कैसा रहा आज का प्रैक्टिकल डे, ज़रूर लिख के बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा, एंड हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए, दिस इज़ नॉट ओवर येट, अभी हमने ख़त्म नहीं किया है। इसके बाद हमारे जो लुक्स हैं वो अलग अलग लुक्स होंगे, जो कि हम आगे ग्लैमर लुक, ब्राइडल एंगेजमेंट लुक, बहुत सारे लुक्स लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगर आप हमारे ऐप पर आकर सीखना चाह रहे हैं, हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आइए सीखिए यहाँ पर। एंड आप हमारी एकेडमी कहाँ पर है ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।